अरुणाचल प्रदेश के आम आदमी पार्टी प्रेसिडेंट यमलताया ने एक साक्षात्कार के दौरान आम आदमी पार्टी सुप्रीमो एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नवंबर महीने में राजधानी ईटानगर में उपस्थिति की बात कही और लोगों को एक भव्य कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल के भाग लेने की बात भी कबूली। अरविंद जी एक एश्योर किया है कि नवंबर के मंथ में यह अरुणाचल प्रदेश में आएगा वोट, तो उसका मुख्य अनाउंसमेंट हमारा अरुणाचल प्रदेश के आम जनता सुनेगा और कितना तक सही होगा गलत होगा वो पूरा पता चल जाएगा। वो इसलिए फ्री बिजली को भी फ्री किया गया है दिल्ली में, और जो पानी है आज जीवन में तो आपको पढ़ाई के साथ साथ में पानी को चाहिए, बिजली को चाहिए, उसका आगे तो और दुनिया जी भी नहीं पाएगा, तो दोनों चीज़ को फ्री में कर दिया है। और रोड कम्युनिकेशन आपने देखा है दिल्ली का कितना सुंदर और सड़क बना के रखा है, तो अरुणाचल प्रदेश में इवन यहाँ बंदरगाह से लेकर आपका चिंपू ईटानगर होलोंगे तब देखिए हालत नहीं है। तो इस प्रकार से इस प्रदेश में नहीं होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी आने के बाद इससे बेटर स्पीड वे से डेवलपमेंट होना चाहिए, ये एक सोच लोगों का दिल में सोच रख रहा है, विचार रख रहा है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोर पा रहा है, स्पेशली युवा ज़्यादा जोर पा रहा है, क्योंकि युवा आज के दिन में सोशल मीडिया में देखते हैं कौन अच्छा बुरा करा पहले जानते हैं, इसलिए युवा लोग ज्यादा से ज्यादा जोर रहे हैं। जब उनसे लोगों की पार्टी के बारे में राय जानने की कोशिश की तो यमलताया ने हमें बताया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में ज्वाइन किया गया है और उनके साथ और तीन लोग थे, यूथ प्रेसिडेंट एंड कम्बीनर एंड आरटीआई सेल का सेक्रेटरी, ये चारों लोग ज्वाइन किए हैं तवांग की ओर से, क्योंकि तवांग ऐसे एक अरुणाचल से सबसे लास्ट बॉर्डर एरिया है और वहाँ से आम आदमी पार्टी वहाँ तक पहुँचना ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बात है। और दूसरा है ऊपर सुबनसिरी से, वो एक तप्पा नौने वो ज्वाइन किए हैं, वो भी एक सीनियर सिटीजन से ऊपर सुबनसिरी से, और साथ में क्रोंग में से भी ज्वाइन किए हैं और यहाँ कैपिटल रीजन से भी ज्वाइन किए हैं। ये मेरा एक सोच ये है हमेशा की तरह, क्योंकि इस प्रदेश में लोग बदलाव की राजनीति देखना चाहते हैं, इस प्रदेश में लोग आम आदमी पार्टी को एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ग्रुप में देखना चाहते हैं, पॉलिटिकली रेवोल्यूशन ग्रुप में, ताकि अरुणाचल प्रदेश को एक नया चेंजेस देखना चाहते हैं, नया चेहरा देखना चाहते हैं, नया डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, तो इसलिए लोग अपने आप से जब ज्वाइन कर रहा है ये कहीं ना कहीं हमारा श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सोशल मीडिया के माध्यम से नेशनल टीवी के माध्यम से उन लोगों ने देख के अच्छा लगकर स्टेट में ज्वाइन कर रहा है, ताकि केजरीवाल जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं इस देश के लिए आप और हम देख रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया इतना आगे है और न्यूज़ चैनल में देखते हैं, दिल्ली जैसा एक हमारा भारतवर्ष का राजधानी है इसको इतना चमका के रखा हुआ है डेवलपमेंट के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में जितना एजुकेशन सेक्टर को इतना आगे लेके गया है, आप अरुणाचल उसमें 99% 1% भी बराबर नहीं है। तो इसलिए मैं ये चाह रहा है कि अरविंद जी का नेतृत्व में इस देश में आपका पंजाब में भी चल रहा है, तो वहाँ हमारा सिंह भगत मान जी वो आज नेतृत्व कर रहे हैं लगभग 2 साल से, तो वहाँ एक खासियत ये है आम आदमी पार्टी में, इसलिए लोग इस प्रकार से जोड़ रहे हैं। मैं इसको हर प्रेस ब्रीफिंग में मैं बता रहा हूँ और पब्लिक हमारा आम जनता भी इसको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर को वो फ्री करके रखा है,
नर्सरी से लेके बीए तक गवर्नमेंट को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है। तो ये हमारा यहाँ अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो हम खुद भी अपने बच्चे को इतना इन्वेस्टमेंट करके, इतना खर्चा करके पढ़ाता है, लिखाता है, लेकिन आम आदमी सरकार इस अरुणाचल प्रदेश में आने से ये सारा मामी पापा का जितने भी जो खर्चा है इसका बोझ थोड़ा हल्का होगा, हम इसे लगता है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन आम आदमी पार्टी देने जा रहा है। आप जितना लोकेलिटी यहाँ जितने हैं देखने से तो अपना जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, अपना मीटर होते हैं, अपना कुछ ना कुछ जानवर होते हैं, इसको सेल करके या जमीन को सेल करके बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार आने से वो सारा चीज़ खत्म होने जा रहा है, क्योंकि सरकार पढ़ा रहे बच्चे को, अच्छा एजुकेशन दे रहा है, अच्छा इंस्टीट्यूट में डाल रहा है। जिसे आप दिल्ली को हम लोग ने लास्ट कुछ महीना पहले विजिट किया है और आप जानते हैं, लेकिन वहाँ आईपीएस आईएएस ऑफिसर के बेटा बेटी एक रिक्शा वाला ठेला वाला के बच्चे के साथ एक ही टेबल में बैठ के पढ़ा रहा है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में। इसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि स्कूल एजुकेशन, स्कूल जो मैनेजमेंट इतना सही तरीका से कर रहा है, और स्कूल जितना भी मैनेजमेंट है वहाँ का जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको रेस्पॉन्सिबल लिया गया है कि इस इंस्टीट्यूट को वर्ल्ड क्लास क्वालिटी इंस्टीट्यूट बनाना है, ये टारगेट लिया गया है आम आदमी पार्टी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जी के जो पत्नी है, इंडिया एक बार विजिट थे यूएसए के प्रेसिडेंट, कभी भी हम लोग ने मीडिया के माध्यम से देखा है, उसका मिसेस ने देखा, सारा दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल को विजिट करने के बाद उन्होंने एक शब्द कहा है कि अगर केजरीवाल जी का जो एजुकेशन सेक्टर का जो ये आइडिया है इसे हमारे अमेरिका में भी इम्प्लीमेंट करें, इस प्रकार से हम सोचते हैं, तो ये सब जो देखने से ये किसी पर्टिकुलर केजरीवाल जी का या आम आदमी पार्टी का नहीं, ये भारत के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है, सारा इंटर स्टेट के लिए, इंटर कंट्री के लिए एक गौरव की बात है। तो इसलिए लोग जुड़ने का मेन रीज़न ये हो सकता है, क्योंकि हम अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे से लिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारा पास पैसा नहीं है और आगे पढ़ाने के लिए, या डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाना है, आईपीएस आईएएस पढ़ाना है, पैसा ही चाहिए ना। जबकि पैसा ही नहीं हो तो मैं जो सोचता हूँ कैसे मेरे बच्चे के ऊपर में मैं इम्प्लीमेंट कर पाएगा, तो ये एक रीज़न होगा। दूसरा रीज़न होगा कि हेल्थ सेक्टर को फ्री दिया गया है, 10 लाख तक का जो आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में है, पंजाब में है और अरुणाचल प्रदेश में भी आम जनता अगर ये जो पॉलिसी है इसको अच्छा लगेगा, अगर अरुणाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी को चुना जाएगा, जरूर ये भी इम्प्लीमेंट होगा, 10 लाख तक आपका जितना भी आपके शरीर के ऊपर में जो भी बीमारियां हैं उसको फ्री और मुफ्त में इलाज किया जाएगा। 10 लाख से ज़्यादा आगे होगा वो आप कहीं कहीं मैनेज करके कर लीजिए, गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख तक मैनेजमेंट आपका ऊपर में किया जाएगा और इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाएगा। और तीसरा है, यहाँ पे एक अच्छा काम करने वाले आपने देखा है कि बिजली फ्री है, कुछ 200 यूनिट दिल्ली में किया गया, अरुणाचल में कितना यूनिट का फ्री करेगा। दूसरा तो मैं ये कहूँगा कि जितना भी सीनियर सिटीजन्स है, इलेक्शन आपका एज पर शेड्यूल कहने से हार्डली 7-7 मंथ बचा हुआ है, तो आप लोग जितना भी सीनियर है अगर आप सचमुच का स्टेट का हित के लिए, लोगों का हित के लिए काम करना चाहते हो, स्टेट को आगे बढ़ाना चाहते हो, स्टेट को डेवलपमेंट स्पीड वे से लेके जाना चाहते हो, आप यहाँ पे आप आम आदमी पार्टी पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ आप टिकट लेके एमएलए कंटेस्ट कर सकते हैं, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। जैसे कि सर यहाँ पे जो है बीजेपी पार्टी जो रूलिंग में है यहाँ पे, तो आपके ही पार्टी को क्यों लोग जो है साथ जुड़ना चाहते हैं? यहाँ पे एक चीज़ तो हम लोग फिर देखने को मिलता है कि आम जनता, आम पब्लिक आज
नए पार्टी के साथ, नए पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्यों जोड़ना चाहते हैं? क्योंकि इस देश में 9 ईयर्स पहले कांग्रेस का सरकार था 2014 तक। उसके बाद कांग्रेस का सरकार में आप हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ गैस सिलेंडर का दाम आपका 450 लगभग था और हर चीज़ का रेट इतना था, पेट्रोल डीजल का भी 67 रुपीज़ था, हमको अगर गलती ना हो तो। तो इसको बीजेपी ने इतना बनाया है कि गैस सिलेंडर 450 पहुंच गए और पेट्रोल डीजल 65-67 रुपीज़ में पहुंच गए। तो इस महंगाई को हम लोग रुकाएंगे, महंगाई का वजह से, महंगाई का बीजेपी इसको खत्म करके कम कर देगा बोल के उसका हिसाब से जो सरकार जो यहाँ आया है 2014 में। तो आज मैं सच्चाई में बता दूँ, बीजेपी का अच्छे काम को मैं अपना जो नॉलेज के हिसाब में मैं आपको बताऊँगा, और जो आज देश जो है, देश प्रदेश में जो अभी तकलीफ झेल रहा है इसको मैं बताना चाहूँगा। नंबर वन, बीजेपी अच्छे काम कहाँ किया है? गैस सिलेंडर को अभी 1200 में पहुँचा दिया, 1200 रुपीज़ में। नंबर टू, लहसुन का केजी अभी 800 में पहुँचा दिया। महंगाई के खिलाफ इस देश में अपना सत्ता हासिल करने का बाद आज हर चीज़ में कान पान से लेके जितना रेन सेन से लेके पूरा अच्छे काम कर रहे हैं। बीजेपी का अच्छे काम कहाँ कर रहा है कि आप अपने पैसा एटीएम में बैंक में डाल रहे हो, डालने से भी वो टैक्स काट रहे, निकल रहे भी तो टैक्स काट रहे, एटीएम में आप पैसा निकालो तो भी टैक्स काट रहे। ये बीजेपी का अच्छे काम है, पब्लिक आम जनता को समझना होगा। जैसे प्याज का केजी उस समय में 20 रुपये थे, आज 80 किलो आ गया। टमाटर का उस समय में आपका 50 रुपये थे, आज 150 पहुँच गए। ये बीजेपी का अच्छे काम है। बीजेपी का अच्छे काम है सारा आम जनता को खान पान से, चावल से, दाल से, हर चीज़ में आज टैक्स लगा दिया है, बीजेपी का अच्छे काम। इसी का वजह से लोग नया पार्टी का बदलाव देखना चाह रहे हैं मेरा हिसाब से, क्योंकि बीजेपी का अच्छे काम अब ये भी देखने को मिल रहा है कि जितने भी गरीब है इसको पीसते जा रहा है, अमीर को आगे उठाते जा रहा है। ये बीजेपी का अच्छे काम इस देश में आप देख रहे हैं, जितने कुछ चंद लोगों हैं इस देश को चला रहा है, तो उसको बीजेपी ध्यान में रख रहे हैं। बीजेपी यहाँ पे गरीबों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, मिडिल क्लास लोगों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसी दुख और तकलीफ को लोग सहना नहीं चाह रहे, इसलिए बदलाव का राजनीति देखना चाह रहे हैं। और स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में रिवोल्यूशन पॉलिटिकल हिस्ट्री में लाना चाह रहे हैं लोग। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को अगर आम जनता सचमुच कर इस बीजेपी सरकार से जिसने भी तंग आ गया है, वो आने वाला चुनाव में आप अपना हिसाब से आप वोट दें, और बीजेपी को वोट देने से आपके लिए क्या तकलीफ होने जा रहा है, क्या प्रॉब्लम आने जा रहा है और क्या समस्या आने जा रहा है, ये आप सबको समझना होगा, स्पेशली हमारा क्रिश्चियन परिवार लोगों को भी समझना होगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।